निरीक्षण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं निर्देशक मिसबाहउद्दीन ने कार्यक्रम को संबोधित कर देश में हो रही दंगाई का जिक्र करते हुए लोगों को सतर्क होने की अपील करते हुए बिहार सरकार के कार्य उपलब्धियों को बताते हुए आने वाले 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने की अपील की है। पार्टी के साथ आप आएंगे, हमारे बीच अभी मौजूद है हमारे मिनिस्टर मोहम्मद जमा खान साहब, जो इस कारवा के लिए वो बिहार से शुरू किए, पटना से अभी किशनगंज आए हैं, उसके बाद पूर्णिया जाएंगे, कटिहार जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रोग्राम है। तो कहना ये है कि ये जो कारवा इत्तेहाद और भाईचारा का प्रोग्राम रखा गया बहुत अहमियत के हामिल है। आपको मालूम हो गया अभी जो बिहार इतना अमन व शांति का अंबार है, एक ही नगरानी को काउंटर कर दिया गया है, जेल के अंदर मार दिया जाता है, कचहरी में हत्या कर दी जाती है, पुलिस स्टेशन में हत्या कर दी जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि यहां निगाहें सबकी है, आपको परिवर्तन करने की कसम खानी होगी। आज हमारे जनाब अजीज बरनी साहब ने बहुत कुछ कहा है, आप दिल में लेके जाना मेरे भाई, संकल्पित होकर जाना, क्योंकि आपको इतिहास नहीं माफ करेगा।